कल जो हमने बंद का आह्वान किया है उसमें हमें सभी समाज के सभी वर्गों से और सभी लोगों से संपर्क किया है और सब ने इसमें अपना समर्थन जाहिर किया है और सब ने इसके लिए ये किया है कि कोई तो है जो एक हिंदू समाज के लिए सामने आकर खड़ा होता है और इस प्रकार की जिहादी मानसिकता को रोकने के लिए सामने आने के लिए तैयार है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समर्थन मिला है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करके आपको समर्थन जरूर देंगे। निश्चित रूप से हम इस प्रकार की जब जब हमारे पास नोटिफिकेशन इसका आता है हम सरकार के स्तर पर इसका तुरंत विरोध करते हैं और दो तीन जगह के ज़मीन का उनका कैंसिलेशन भी करवाया है, लेकिन हम अभी रोज़ हम ये देख रहे हैं कि उनको हर शहर हर गांव पे कहीं ना कहीं दावत इस्लामी जो एक आतंकवादी संगठन है और आतंक को बढ़ावा देता है उसको छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह पर ज़मीन अलाट की जा रही है, उनके संगठन को मजबूत किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से ज़मीनी तौर पर इसका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत आक्रोश है, पूरा जनमानस हिंदू समाज आक्रोशित है सारे जिलों से, बल्कि पिछले दो तीन दिनों से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से विरोध प्रदर्शन जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम ऑलरेडी हो चुका है तथा कल के बंद के लिए पूरे प्रदेश में अच्छी तैयारी है और ज़मीनी स्तर पर पूरा बंद का लोगों का समर्थन मिल रहा है। नहीं, हमारा सब कुछ शांतिपूर्ण रहता है और ये सांकेतिक बंद है, हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में यह बात जाए और लोगों को जागरूकता आए कि जिहादी मानसिकता वालों को ढूंढ ढूंढ कर छांट छांट कर समाज से अलग किया जाए।